तो अपडेट मैं आपको देता हूँ गाड़ी के हवाले से। आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रॉलर बहुत तेज़ जा रहे हैं, गाड़ियाँ बहुत तेज़ जा रही हैं और ट्रैफिक बहुत अच्छा है यार। हवा दवाएँ क्योंकि रोड बड़ा अच्छा बन गया है, तो जाने वाले रोड आने वाले रोड दोनों बहुत अच्छे बनाए हैं वैसे हवा साहब ने, तो इनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है इस हवाले से। और हम अब रवा दवा हैं अपनी मंजिल की तरफ, आपको बताने चल रहा हूँ मैं करीमाबाद की अपडेट के हवाले से। करीमाबाद की अपडेट जो है वो क्या है, कैसी है और कौन सा रास्ता जाएगा। तो हम अब बैठ रहे हैं अपनी सवारी पे और सवारी पे हम बताएंगे आपको कि अपडेट क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेमोरियल फुटबॉल की स्टेडियम है और सुपर फुटबॉल की तरफ ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्टेडियम है। शादी जो है वो आप सकते हैं पानी पूरा चल रहा है, पानी बनाती और भी टॉपू भी हो। और ये सामने देख सकते हैं कि सामने जो है ये शिप, हाँ यहाँ से शिप भी रास्ता है, वो रास्ते के सामने जिससे जाए जहाँ पर पास एक चीज़ शिप होने का रास्ता है और ये हाइपरटेंशन वाली है। और आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो साइमा अरेबियन वालों का जो प्रोजेक्ट है साइमा पार्टनर्स, यहाँ सबको नज़र आ रहा है, ये रास्ता जा रहा है टूवर्ड्स पाकिस्तान। और यहाँ आपको स्कूल्स काफ़ी मिलेंगे, लेडी बर्ड स्कूल है और स्कूल है, सबको मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले सखी हसन चौधरी और सामी हसन चांदी जो चौधरी हैं, सामी जे डी सी का आई टी सेंटर बहुत बड़ा है और ये जे डी सी सेंटर है आई टी सेंटर, ये लाइब्रेरी के साथ ही बनाया इन्होंने और सीधा जो है फूड स्ट्रीट है करीमाबाद की। और आप देख सकते हैं ये चीज़ वैल्यू है नाजिमाबाद। और ये जो आप फूड स्ट्रीट के लिए रेड स्ट्रीट देख रहे हैं ये रास्ता जो है पूरा बनाया है मतलब आपने और बहुत अच्छा बनाया है डबल रोड, यहाँ पानी बारिश इतनी बारिश हो जाएगा पानी जमा नहीं होता। और ये फूड स्ट्रीट है पूरी फूड स्ट्रीट है, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरी फूड स्ट्रीट है, यहाँ आपको हवेल भी रेस्टोरेंट स्पाइसी पिज्ज़ा मैक्स पार्किंग के बाद से बात की जाए तो सलाबाद में आगे पार्किंग